हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गोले और अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का अध्ययन किया। अब चलिए इस वीडियो में हम गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। थॉमस देखो, मैं माँ के जन्मदिन के लिए एक इत्र की शीशी लाया हूँ। अरे वाह मानस, इसकी खुशबू तो वाकई बहुत अच्छी है। इस शीशी में कितना इत्र होगा? इसका उत्तर तो हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, ये इत्र की शीशी के जिस हिस्से में इत्र भरा है वो गोलाकार स्फीयर है, और क्योंकि शीशी पतले कांच से बनी है हम इसकी मोटाई न के बराबर मानेंगे। इसलिए शीशी में इत्र द्वारा घेरी गई जगह शीशी द्वारा घेरी गई जगह के बराबर है। दूसरे शब्दों में इत्र का आयतन गोलाकार शीशी के आयतन के बराबर होगा। क्या तुम्हें गोले के आयतन का सूत्र याद है? बिल्कुल, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई और आर के घन के गुणनफल के बराबर है, जहां आर गोले की त्रिज्या है। शाबाश थॉमस, अब बस हमें इस सूत्र में आर की जगह गोलाकार शीशी की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर लिखकर इसे हल करना होगा। अच्छा, गोलाकार शीशी का आयतन 493 सेंटीमीटर घन है, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर घन 1 मिलीलीटर के बराबर है, हम कह सकते हैं कि गोलाकार शीशी में 493 मिलीलीटर इत्र भरा है। थॉमस चलो, अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, मुझे माँ को उनका तोहफा भी देना है। दोनों दोस्तों ने मिलकर मानस की माँ का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम अर्ध गोले के आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पर आधारित मजेदार उदाहरण देखेंगे।